पंजाब में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस हर पैंतरा अपना रही है और खबर है कि कांग्रेस की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू को चुनाव जीतने की स्थिति में डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने आवाज़ ए पंजाब नाम से फ्रंट बनाने वाले सिद्धू को हर हाल में अपने साथ करने की कोशिश में यह ऑफर दिया है। कांग्रेस सिद्धू के फ्रंट को 13 विधानसभा सीट भी दे सकती है, लेकिन वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह इस ऑफर से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। उनकी राय है कि आवाज़ ए पंजाब का कांग्रेस में विलय कर दिया जाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक अखबार में खबर छपी थी कि सिद्धू के आवाज़ ए पंजाब और कांग्रेस के बीच बात चल रही है और अब कांग्रेस की ओर से सिद्धू को डिप्टी सीएम पद की पेशकश की खबरें आ रही हैं। हालांकि पंजाब कांग्रेस की इंचार्ज आशा कुमारी का बयान आया है कि सिद्धू अगर बिना कोई शर्त कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम का पद ऑफर किए जाने की खबर केवल अफवाह है। नवजोत सिंह सिद्धू के फ्रंट पर कांग्रेस की लगातार नजर बनी हुई है। जाहिर है कि सिद्धू को पंजाब में लोग काफी पसंद करते हैं, ऐसे में कांग्रेस भी इस बात का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन यहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि सिद्धू कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं या नहीं। देखते रहिए टीवी लाइव।